भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। यदि अर्जुन मेरे जन्म कर्म के बारे में कोई समझ लेता है, अर्जुन कोई मेरे बारे में तत्व से जान लेता है, तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति, उस आदमी का मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि वह व्यक्ति सदा सदा के लिए मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त कर जाता है। इस भटकने वाले जीव का डेस्टिनेशन है भगवत धाम वैकुंठ। लेकिन उस वैकुंठ में पहुंचने के लिए वैकुंठाधिपति भगवान को समझना होगा। और कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान को समझने के लिए भागवत पढ़ना होगा। बिना भागवत पढ़े, बिना भागवत समझे हम भगवान को जान नहीं सकते हैं। भगवान के द्वारा एक बहुत बड़ी गिफ्ट है हम सबको, ये भागवत, जिससे हम भगवान को समझ सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु वैसे तो कृष्ण ही है, परंतु कलयुग के जीवों को अपने स्वधर्म आचरण से उपदेश देने के लिए भक्त बनकर आए। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में चिरकाल तक भागवत का श्रवण किया। अभी अभी हमारा सौभाग्य था कि पिछली कथा मायापुर और जगन्नाथपुरी में थी। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अंतिम दिनों में जगन्नाथपुरी में रहते थे, और उस समय महाप्रभु को भगवान का विरह सताता था। श्री चैतन्य महाप्रभु के मन में कृष्ण का अभाव, अफसोस होता था कि जीवन का लंबा समय बीत गया लेकिन कृष्ण नहीं मिल रहे हैं, तड़पने लगते थे। जिस कमरे में वो रहते थे गंभीरा में, उस कमरे की दीवार के साथ अपना मस्तक पटकने लगते थे, और उस समय कृष्ण की उपस्थिति का एहसास कराने के लिए महाप्रभु के दो पार्षद स्वरूप दामोदर और राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाते थे। स्वयं भगवान भी भागवत सुनते हैं। वैसे भगवान की अनेकों प्रकार की सेवा है, लेकिन भागवत सुनकर भगवान को जितना प्रसन्न कर सकते हैं, उतनी और कोई सेवा से हम प्रसन्न नहीं।